नमस्कार, मैं अनुराग, आप देख रहे हैं विभाग बात। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अभिषेक भार्गव जी हैं। अभिषेक जी, आपका बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभिषेक जी के बारे में ये बताना चाहूँगा कि युवा नेता हैं तो इनका नज़रिया, इनका सोच, इनके विचार तमाम लोगों से मेल नहीं खाते हैं। ये कुछ अलग करना चाहते हैं। इनके पिता श्री गोपाल भार्गव जी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, लंबे समय से विधायक हैं। जितनी कई लोगों की आयु होती है उतना उनका संसदीय जीवन है। लगभग 8 चुनाव जी पिताजी जीत चुके हैं 1985 से अभी तक। और अब आपकी इच्छा है चुनाव लड़ने की, तो घर में द्वंद्व नहीं होता कि पिताजी लड़ेंगे कि बेटाजी लड़ेंगे? नहीं, एक्चुअली क्या है, जिस पार्टी में हम हैं हमारे यहाँ तो पार्टी ही तय करेगी। तैयार दोनों हैं, कहीं से भी किसी भी स्तर का चुनाव, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, विधानसभा, लोकसभा का, पार्टी जो कहेगी उसको हम लोग बिल्कुल चलने के लिए तैयार हैं। और अपनी ओर से भी हमने पार्टी को विश्वास दिलाया है कि जिस स्तर पर आप चाहेंगे हमारी उपयोगिता क्या होनी चाहिए उस स्तर पर हम काम करेंगे और 100% देकर पार्टी के जो भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करेंगे। अच्छा, दो चीज़ें आपने जो कहा कि दोनों तैयार हैं जी, मतलब दोनों तैयार में बड़ी अच्छी बात है कि हर पिता भी चाहते हैं कि उनके पुत्र उनसे ज़्यादा आगे निकलें, गुरु भी यही चाहते हैं, पिता भी यही चाहते हैं। तो दोनों में का पिताजी कहीं और से लड़ेंगे, आप कहीं और से लड़ेंगे, या एक ही सीट से लड़ेंगे, एक ही व्यक्ति लड़ेगा? देखिए, दो प्रश्न हैं ये, क्योंकि दो सीटों से लड़ने का सवाल इसलिए भी नहीं उठता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में जो गाइडलाइन है उसमें एक ही परिवार के दो लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये तो एक अभी तक वर्तमान में एक स्थापित गाइडलाइन ऊपर से तय मापदंड 2014 के लोकसभा चुनाव से ये सारी चीज़ें बड़ी सख्ती के साथ कहना चाहूँगा या बड़ी ताकत के साथ इसको फॉलो किया जा रहा है। तो दो जगह से चुनाव लड़ने का प्रश्न नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि हम लड़ेंगे या पिताजी लड़ेंगे, तो ये तो पार्टी ही तय करके बताएगी कि मेरे पिताजी को लड़ना है या मुझे लड़ना है। मैंने फिर से यही कहूँगा कि अगर पिताजी मुझे आदेश करते हैं, पार्टी मुझे आदेश करती है, पार्टी पिताजी को आदेश करती है, तो दोनों की तैयारी है। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने संगठन पे छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की परंपराएं हैं, कुशाभाऊ ठाकरे ने जैसा संगठन यहाँ दिया था उसमें लेकिन किंतु परंतु नहीं होता। लेकिन घर में कभी बात होती है कि पिताजी कहते हैं कि अभिषेक तू लड़ लेना इस बार, या अभिषेक तो रुक जा अभी मैं एक बार और लड़ लेता हूँ? पिता के रूप में उनकी इच्छा ज़रूर रहती है कि देखिए, सारे पिता अपने बच्चों को अपने सामने एक स्थापित होकर देखना चाहते हैं, चाहे वह व्यावसायिक क्षेत्र में हो, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र में हो। मेरे पिताजी की भी इच्छा रहती है कि समय रहते हुए, और समय रहते हुए का मतलब कि हम जिस एज में हैं अभी, एक जज्बा अलग है, एक जोश अलग है, यंग है, तो यहाँ पर एक्टिव रहने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, सारे के लिए बहुत संभावनाएं हैं। तो इस समय अगर हम किसी चीज़ पर अभी शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे परिपक्व इस चीज़ में हम हो जाएंगे, तो ये सही समय है। तो वो सोचते हैं कि इस समय में अगर हम राजनीति में किसी जनप्रतिनिधि बनकर काम करते हैं तो उनकी दृष्टि में ये अभी सही समय है। तो वो चर्चा तो इस प्रकार की चलती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अभी अगर जैसे सरकार बनती है और आप मंत्री बनते हो तो मुझे विधायक बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मंत्री बनकर आप जो क्षेत्र के लोगों को और प्रदेश के लोगों को दे पाओगे, विधायक बन के वो मैं नहीं दे पाऊँगा। तो ये गोल्डन पीरियड हमारे क्षेत्र के लोगों का भी है और माननीय मंत्री जी का भी है। तो मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि अगर हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर हमारे सामने रहेगी, मुझे बनना है या माननीय पिताजी अगर लड़ते हैं, तो मैं दोनों में चीज़ों में तुलना करता हूँ कि क्षेत्र के लोगों का भला, मुझे विधायक बनने में ज़्यादा उनको लाभ मिलेगा या फिर मंत्री बनने से क्षेत्र के लोगों को पिताजी की दृष्टि से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो मैं हमेशा यही चुनता हूँ कि पिताजी अगर मंत्री बनते हैं तो उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि क्षेत्र के, प्रदेश के लोगों का ज़्यादा भला वो कर सकें, बशर्ते केवल विधायक बनने के मिले। मैं जिस बात की चर्चा कर रहा था कि अभिषेक जो है उनका सोच तमाम सारे लोगों से अलग है, और ये उसी सोच की एक तस्वीर थी, एक जो इनके मन में विचार आता है कि पिताजी लड़ेंगे, क्योंकि ये लड़ेंगे तो पहली बार विधायक बनेंगे और मंत्री नहीं बनाया जाएगा। पिताजी लड़ेंगे तो 8 बार विधायक रह चुके हैं, 9वीं बार होंगे, उनसे बड़ी सीनियरिटी किसी के पास नहीं है मध्य प्रदेश में, तो वो डेफिनेटली मंत्री बनेंगे, और इलाके में अगर कोई मंत्री होता है तो काम ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपका जो विचार है इसके लिए आपको बड़ा बड़ा साधुवाद, लेकिन फिर भी कभी यार दोस्त सब कहते होंगे ना कि आप पिताजी को आराम करने दो, लड़ जाओ अभिषेक, कब तक होगे? आध्यात्मिक व्यक्ति भी हूँ तो मैं हमेशा यही मान के चलता हूँ कि भाग्य से ज़्यादा समय से पहले कभी किसी को मिलता नहीं है। अपना पुरुषार्थ दिखाते रहिए, प्रयास करते रहिए, जब समय आएगा तब निश्चित रूप से आप अपनी
स्थान पर पहुँचे। कई बार तलखियाँ भी नजर आती हैं, आप ट्वीट कर देते हैं, कभी फेसबुक पे लिखते हैं, तो कई बार उसको ये मान लिया जाता है कि अभिषेक भार्गव नाराज हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नाराज किसी से नहीं होता, बस ये है कि सोशल मीडिया अपनी बात पहुँचाने का एक माध्यम है, तो कई कई बार ऐसा होता है कि संगठन के माध्यम से बात नहीं पहुँच पा रही है या फिर हम किसी संपर्क में नहीं आ पाए, तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि अगर सोशल मीडिया पर हम कोई पोस्ट करते हैं तो बड़े नेताओं का नेटवर्क और उनका स्टाफ इतना बड़ा है कि वो चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं, वहाँ से कोई विचार निकल कर आता है तो उनके संज्ञान में ज़रूर आता है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि कई बार जब मैंने इस बात की किसी चीज़ पर सरकार का या फिर संगठन का ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसके रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिले हैं, तत्काल उन चीज़ों को संज्ञान में लेकर उन पर कार्रवाई की गई। बड़ी चर्चा रही, नगरीय निकाय चुनाव थे तब अभिषेक के जो ट्वीट थे, फेसबुक पर जो टिप्पणियाँ थीं, कई भाजपा के लोगों ने उनको बड़ा आहत किया और कई को राहत भी मिली उनसे। देखिए, जब मैं समझ रहा हूँ आप जो बात कर रहे हो परिवारवाद को लेकर, उस समय मेरा एक ट्वीट था कि पंचायत चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परिवारवाद से दूर रहना चाहिए और सेंट्रल वालों को या फिर स्टेट के जो हमारे हेड्स हैं उनको यह सारी चीज़ें गाइडलाइन तय करनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि परिवार का कोई व्यक्ति आपके घर से, अगर मंत्री है, विधायक है, सांसद है, तो परिवार के अन्य लोग भी लड़ें। क्यों, ये मैंने इसलिए भी कहा कि जिस चीज़ को हम लोग शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो उसको और स्ट्रांगली फॉलो करने की आवश्यकता है। अब कार्यकर्ता तो वही हैं, चाहे वह विधानसभा चुनाव में आपका सहयोग करें, चाहे लोकसभा चुनाव में आपका सहयोग करें, उनकी भी इच्छा होती है कि भाई विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में बड़े राजनेता या उनके परिवार के लोग कंटेस्ट करेंगे ही, तो पंचायत चुनाव हमारे लिए हैं, नगरीय निकाय चुनाव हमारे लिए हैं, इसमें हम अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं, हम इसमें आगे आएंगे तो विधायक जी उसमें अड़ंगा नहीं डालेंगे, सांसद जी उसमें अड़ंगा नहीं डालेंगे। लेकिन जब कार्यकर्ता इन छोटे चुनाव में भी राजनीतिक परिवार के लोगों को आता हुआ देखते हैं तो फिर उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। उसी नहीं, आपने तो बिल्कुल सही बात लिखी थी, मुझे लगता है कि मोदी साहब या पूरी बीजेपी समय परिवारवाद पर कटाक्ष करती है दूसरे दलों के, तो हमको भी उसका पालन करना चाहिए, पालन जैसा आप करें हो रहा है, तो लोगों को बुरा क्यों लग गया था इतना? आपने तो बहुत सहज और आसान बात कही थी कि कार्यकर्ताओं का ध्यान रख लिया जाए और परिवारवाद से इन छोटे चुनाव में बचा जाए। अब पहले तो मुझे पता नहीं है कि बुरा किसे लगा होगा, अगर उन्हें लगा है तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरी बात से आपको बुरा लगा, लेकिन कार्यकर्ता की दृष्टि से मैंने यह बात की थी। चूँकि मैं अब बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों की रीति नीति से परिचित हुआ हूँ, तो मुझे अपने आप को मंत्री पुत्र कहलाने की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने का ज़्यादा गौरव लगता है, तो मैं कार्यकर्ता की दृष्टि से अब संगठन में बात रखता हूँ। चूँकि हम लोगों के प्रति लोगों की धारणा अच्छी नहीं है नेता पुत्रों के बारे में, सभी कहते हैं वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, कार्यकर्ताओं का पैराशूट लैंडिंग हो जाती है, पैराशूट लैंडिंग है, कार्यकर्ताओं का हक मार कर वह, ये सारी बातों को मैं डिनाई नहीं करता, एग्री करता हूँ, होता है अधिकांश जगह यही होता है। इसी कारण से मैंने अपनी ओर से ये इनिशिएटिव लेना शुरू किया है कि मैं नेता पुत्र होने के बावजूद कार्यकर्ताओं की बात संगठन तक पहुंचाऊं, कार्यकर्ता के मन की बात संगठन तक पहुंचाऊं, तो निश्चित रूप से जो नेता पुत्र या पुत्री या परिवार के लोग जो सामान्य कार्यकर्ता की तरह मेहनत कर रहे हैं तो उनके प्रति भी आम कार्यकर्ता का दृष्टिकोण बदले, मेरा थोड़ा ये भी है कि हम भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं, क्षेत्र में कर रहे हैं तो। और मैं आपको दो मिनट रोकूंगा। जी जी, कई बार आपत्ति आती है लेकिन ये मेरी भी समस्या परे है कि एक फिल्म स्टार का बेटा फिल्म स्टार बन सकता है, डॉक्टर का डॉक्टर बन सकता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं हो सकता? देखिए, फिल्म स्टार का बेटा फिल्म स्टार बने, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बने, ये सारे लोग अपनी योग्यताओं पर बनते हैं। नेता का बेटा भी अपनी योग्यता पे आज इलाके में काम करे, वो किसी का हक मार कर नहीं बनते, उस उन सारी फील्ड्स में समान अवसर हैं। यहाँ पर जब पैराशूट लैंडिंग शुरू हुई, बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, लंदन में पढ़ रहा है, साल 6 महीने पहले आते हैं, उन्हें टिकट दे दी जाती है और वो फिर विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो इस जगह से कार्यकर्ताओं के मन में आक्रोश पैदा होता है। वो कार्यकर्ता जो नेता पुत्र जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ झंडे लगा रहा है, बैनर लगा रहा है, दरी बिछा रहा है, कुर्सियां रख रहा है, आमंत्रण बांट रहा है, पार्टी के कार्यक्रमों की तैयारी कर रहा है, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह ही पूरा जीवन उसने निकाला है, तो फिर उसकी छवि उसके क्षेत्र में या उसकी फील्ड में या उस संगठन में नेता पुत्र की नहीं रहती।
ऐसे लोगों को भी अब उसी धारणा से देखा जाने लगा है। तो मैं अभी तक जितने मेरे प्रयास हैं राजनीति में, सामाजिक क्षेत्र में, मैं उस पूरी धारणा को बदलने का प्रयास कर रहा हूँ कि नेता पुत्रों की धारणा, नेता पुत्रों के प्रति आम कार्यकर्ता की धारणा कैसी होनी चाहिए। एक एक लंबी फेरिस्त है कि अभिषेक गोपाल भार्गव, कहीं तुष्मुल झा, कहीं पे रामू तोमर का नाम आता है, आकाश विजयवर्गीय विधायक बन चुके हैं, एक लंबी फेरिस्त है नेता पुत्रों की हमारे यहाँ। और ये भी देखने में आया कि उनको जो अवसर मिलना चाहिए था, कई बार जज करते हैं तो लगता है कि उनको वो अवसर नहीं दिया गया। मैं इसमें थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा, आप कह रहे हैं लंबी फेहरिस्त है, हाँ वास्तव में नेता और उनके पुत्रों की, परिवार वालों की फेहरिस्त लंबी है। एक नाम भूल गया था मैं, कार्तिक सिंह चौहान जी। लेकिन आप उसमें ये देखिए कि वर्तमान की स्थिति में टिकट की दहलीज पर कौन खड़े हुए हैं कि जिनको चुनाव लड़ना ही है। 230 विधानसभाओं में गिनती के 3 या 4 नाम आप वर्तमान में निकाल पाओगे कि हाँ अब ये इस स्थिति में आ गए हैं कि इनके पिता के स्थान पर या इनकी माता जी के स्थान पर ये कंटेस्ट करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है कि हम सारे लोगों को 25-30 नाम निकाल कर वहाँ पर फ्रंट पर रख देते हैं जिनको अभी कंटेस्ट भी नहीं करना है। लेकिन जब लोग उन चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, तो अरे कह रहे यार परिवारवादी है, परिवारवादी है। जबकि मैं ये चाहता हूँ कि मीडिया वालों से भी कि आप अभी वर्तमान में जितने लोग तैयार हो चुके हैं उनको एक उसमें दिखाइए कि हाँ ये तैयार हो गए हैं, हो सकता है ये 2023 के विधानसभा में चुनाव में खड़े हों, अपने पिता का स्थान लें। लेकिन तब 2 या 3 चेहरे होंगे तो किसी को परेशानी नहीं जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, लेकिन बात बात 30 चेहरे जब देखते हैं तब कार्यकर्ताओं को लगता बात है। जब भी बात होती है तो हम इस चीज़ को दखल न्यूज़ कम से कम सामने रखता है कि ये व्यक्ति काम करता है, ये कर्मठ है और ये आपका एक योग्य नेता हो सकता है, आपका ये योग्य नायक बन सकता है। बीजेपी में मैं आपको रोकूंगा, अभिषेक हमारे साथ हैं, हम अभिषेक से ही पूछते हैं, आपने शुरुआत कैसे की थी? अचानक तो आपको भी नहीं आया कि चुनाव लड़ूंगा? नहीं, मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा शुरू में, चूँकि विचारधारा वैसी रही तो विद्यार्थी परिषद से जुड़ा। यूनिवर्सिटी में मैं उसका अध्यक्ष भी रहा, विश्वविद्यालय इकाई का। फिर उसके बाद युवा मोर्चा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य विश्वास सारंग जी के समय से मैं आया। फिर आदरणीय जीतू जराती जी के समय प्रदेश मंत्री बना। फिर अमरदीप मौर्य जी के जब वो अध्यक्ष थे तो समय में प्रदेश उपाध्यक्ष बना। और उसके बाद अपनी विधानसभा में तेज़ी से काम करने लगा। तो धीरे 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 हम लोगों ने संगठन में काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तौर तरीकों को सीखा, संगठन किस प्रकार काम करता है, हमारी विचारधारा क्या है, हमारी रीति नीति क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, हम दूसरों से अलग क्यों हैं, हमारा कार्य करने का तरीका क्या होता है, हमारा कार्यकर्ता क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब हम लोगों ने सीखी तो अब आज हम इस स्थिति में हैं कि कहीं ना कहीं हमारी चर्चा हो रही है। अभिषेक भार्गव जी की बातें आप लगातार सुन रहे हैं और इस नतीजे पे तो आप भी पहुंच गए होंगे कि अभिषेक भार्गव जी चुनाव के लिए तैयार हैं, उनको चुनाव लड़ना भी चाहिए। आज स्पष्टवादी युवाओं की ज़रूरत राजनीति को ज़्यादा है। अभिषेक भार्गव से बातचीत के इस दौर को हम जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अच्छा मस्ती और मुझसे कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है? ये ना तो सीधा है ना सादा, चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इन्फ्यूज पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अभिषेक भार्गव जी हमारे साथ में। अभिषेक जी आपका फिर से अभिनंदन है। अब बात करते हैं पहले बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड आज भी बड़ा पिछड़ा इलाका माना जाता है, वहाँ लोगों को पलायन करना पड़ता है काम के सिलसिले में। वहाँ पे वो मूलभूत सुविधाएं भी कई जगह पे नहीं हैं जो आज बाकी जगह हैं। देखिए निश्चित रूप से मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि अन्य जो हमारे अंचल हैं उनसे बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ है। लेकिन 20 सालों में काम बहुत हुआ ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र को देख कर, क्योंकि हम भी बुंदेलखंड का हिस्सा हैं, हम देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेहतर हुआ है, बिजली सड़कें सब तो बहुत बेहतर हुआ, बहुत बेहतर हुआ। हमारी थोड़ी जो कमी रही वो हम वहाँ पर उद्योग बहुत ज़्यादा स्थापित नहीं कर पाए जिनके कारण लोगों का पलायन रुक सकता था। कुछ बड़े उद्योग हैं बीना में, हैं हमारे दमोह में, हैं कुछ छतरपुर में, लेकिन जैसे हमारे ये मंडी द्वीप हो गया, पीथमपुर हो गया, इस प्रकार का हम कोई औद्योगिक एरिया वहाँ पर अभी तक वहाँ पर डेवलप नहीं कर पाए। इस कारण से ज़रूर वहाँ पर अभी पलायन है, लेकिन
पूर्व के समय से और वर्तमान के समय में, चाहे वह सिंचाई व्यवस्थाओं को लेकर हो, निश्चित रूप से हमारे देखते ही देखते इतने सारे डैम्स बुंदेलखंड में बने, रोडों का विस्तार हुआ, बिजली आज आपको गांव में 24 घंटे मिलेगी, 24 घंटे, क्योंकि वो समय भी हमने देखा है जब हमारे गड़ाकोटा नगर, जहाँ तहसील मुख्यालय है, नगर पालिका है, 3-3 दिन बिजली नहीं रहती थी, और हमारे यहाँ आंदोलन हुए, लोग इतने ज़्यादा आक्रोशित थे कि एक बस जला दी, 2003 तक स्थितियाँ ऐसी थी, बस जला दी गई, कलेक्टर एसपी की गाड़ी पर पथराव भी हो गया, इस प्रकार का आक्रोश जो हमें अभी इन 20 सालों में कहीं भी देखने को नहीं मिला। लोग सेटिस्फाइड हैं इन सारी चीज़ों से। जो मूलभूत व्यवस्थाओं की बात करते हैं तो मूलभूत व्यवस्थाओं में हम ट्रांसपोर्टेशन, आपका रोड, और थोड़ा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में हम थोड़ा पीछे ज़रूर हैं। शिक्षक की, मतलब शिक्षा की व्यवस्था में पर्याप्त हम लोगों ने काम कर लिया है, और सीएम राइज जो एक माइलस्टोन के रूप में अब आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा, एक बहुत ही बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम ये सीएम राइज का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। आप मानकर चलिएगा, बहुत बेहतर शिक्षकों का अपॉइंटमेंट वहाँ पर किया गया है, बहुत बेहतर व्यवस्थाएँ बच्चों को खेलने की, कूदने की, साइंस टेक्नोलॉजी को समझने की सारी व्यवस्थाएँ हम उनमें दे रहे हैं, तो एक शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। हम ये मान लें कि जो पिछड़ा बुंदेलखंड था वो धीरे धीरे विकास के रास्ते पर आ रहा है 100%। कभी अभिषेक भार्गव की, क्या कभी गोपाल भार्गव से, एक कार्यकर्ता अभिषेक भार्गव की, एक मंत्री गोपाल भार्गव से कोई डिमांड रही कि इलाके के लिए ये करना चाहिए, ये होना चाहिए? कई चीज़ें, ये तो आप ये मानकर चलिए कि चूँकि जब मैं अपने क्षेत्र से बाहर घूमता हूँ, जैसे इंदौर भी जाता हूँ या दिल्ली गए हम कहीं, मुंबई गई, जो अच्छी चीज़ मुझे वहाँ पर दिखती है, चाहे वो सौंदर्यीकरण से संबंधित हो कि हमें अपने शहर को सुंदर कैसे बनाना है, तो मुझे कहते हुए खुशी है कि भोपाल से जब आप जबलपुर जाओगे तो आपको सबसे सुंदर शहर अगर कोई सा मिलेगा, सबसे सुंदर रोड अगर कोई सी मिलेगी, तो वो गड़ाकोटा के बीच से हुए मिलती है, कई लोग उसकी तारीफ करके जाते हैं। तो ये जितने हम लोगों ने विकास के काम बाहर देखे, तो उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से डिमांड की, और कहते हुए खुशी है कि कहीं से भी पैसा लाना पड़ा, चाहे दिल्ली से लाना पड़ा, चाहे शिवराज जी से, खुद के विभाग से, तो उन्होंने वो पैसा लाकर वहाँ पर वो चीज़ हम लोगों ने वहाँ पर डेवलप की, चाहे वो स्टेडियम्स हों बच्चों के लिए खेलने के लिए, हमने 18 स्टेडियम अपनी विधानसभा में बनवाए, और इंडोर स्टेडियम बने हैं हमारे यहाँ, स्विमिंग पूल्स बने हैं हमारे यहाँ, ऑडिटोरियम्स बने हैं हमारे यहाँ, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी, गवर्नमेंट के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने बनवाए हैं, ताकि नगर पालिकाओं की आय हो सके, ग्राम पंचायतों की आय हो सके, हाट बाज़ार हमने बनवाए हैं, आजीविका मिशन से संबंधित बहुत बड़ा नेटवर्क हमारे यहाँ महिलाओं का है, यह मानकर चलिए कि 30,000 से ज़्यादा महिलाएं आजीविका मिशन से हमारे यहाँ जुड़ी हुई हैं और अपनी रोजी रोटी वहाँ पर कमा रही हैं। जितनी डिमांड आपने की, इस पर पिताजी ने कहा नहीं कि आप अति कर रहे हो अभिषेक? नहीं, उनका विज़न भी ऐसा रहता है, उनका कहना होता है कि एक, मतलब उनका कहना ये होता है कि हम लोग थोड़ा पुरानी सोच के हो गए हैं, तुम लोग थोड़ी नई सोच के हो, तो पूछो ज़रा कि और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, तो जनता से भी हम पूछते हैं, यंगस्टर से भी हम पूछते हैं, वो बताते हैं कि ये चाहिए, ये चाहिए। हमने एक औद्योगिक क्षेत्र की डिमांड की तो हमारे रहली में एक औद्योगिक क्षेत्र बना, हमने उनसे उद्यानगी कॉलेज की डिमांड की तो एक बहुत बड़ा उद्यानगी कॉलेज 150 करोड़ रुपये की लागत से, जो अभी पूर्व में माननीय कमलनाथ जी अपने क्षेत्र में ले गए थे, उसको हम वापस अपने रहली क्षेत्र में लेकर आए हैं, उसका भी काम शुरू हो गया है, उससे भी बहुत सारे लोगों को रोज़गार आने वाले समय में मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हम लोग देखते रहते हैं, बाहर भी देखते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, कहीं अच्छे आइडियाज़ हमें दूसरों के लगते हैं तो उनको भी हम लोग अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं। ये सारी डिमांड्स हम माननीय मंत्री जी से करते हैं और वो उन सारी चीज़ों को पूरा करते हैं। यहाँ पिता पुत्र का जो गठजोड़ है वो सबसे शानदार माना जाता है, या राजनीति में भी ठीक ठाक है कि बेटा डिमांड कर देता है तो पिताजी उस डिमांड को पूरी कर देते हैं, इलाके का वो इसलिए करते हैं, उनको पता है कि ये कोई पर्सनल डिमांड नहीं है, ये क्षेत्र की डिमांड है। आज की जो स्थितियाँ हैं उसमें चर्चा है कि एंटी इनकम्बेंसी चल रही है जी, एंटी इनकम्बेंसी के बीच में 18 का चुनाव हुआ था, वही स्थितियों में 23 का चुनाव हो रहा है, तो अब कितनी तैयारी है इलाके को देखे, अगर पिताजी लड़ें या आप लड़ें, आपको लगता है कि कहीं किसी विरोध का कहीं सामना करना पड़ सकता है या एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ झेलना पड़ सकती है? देखिए, अन्य क्षेत्रों की मैं बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मूवमेंट कुछ समय से अन्य क्षेत्रों में नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी की बात मैं अपने क्षेत्र में उसके क्राइटेरिया के माध्यम से ही करूँगा। एंटी इनकम्बेंसी होती है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई कितना कहे कि मेरे यहाँ क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो इसको सत्य नहीं माना जा सकता, एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन जिस प्रकार परिवार में बातचीत होती है, मनमुटाव भी होते हैं, मनमुटाव होने के बाद परिवार का मुखिया जब परिवार के सदस्य को समझाता है
तो परिवार का सदस्य मान जाता है। तो जिस नेता के अपने क्षेत्र में उनकी जनता से या वोटर से या कार्यकर्ताओं से परिवार के मुखिया की तरह संबंध होंगे, ये सारी एंटी इनकम्बेंसी उन क्षेत्रों में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये डिपेंड करता है उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पर कि वो कितना एक्टिवली अपने कार्यकर्ताओं को मनाते हैं या जनता को मनाते हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं, जनता उन पर कितना विश्वास करती है, उनकी बातों पर विश्वास करती है। क्योंकि चुनाव आएगा, आप किसी को भी मनाने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी आप उसको वादा कर दोगे कि हम आने वाले समय में आपको लाल बत्ती दिला देंगे, हम आने वाले समय में आपको कोई ठेका दिला देंगे, खदान दिला देंगे, तुम मान जाओ। तो ये कार्यकर्ता तय करेगा कि हमें आपकी बात पर विश्वास करना है कि नहीं, और वो तय ये करेगा कि आपका पुराना कैरेक्टर कैसा रहा है, क्योंकि इलेक्शन में नेताओं के कैरेक्टर बदल जाते हैं और इलेक्शन के बाद उनके कुछ और होते हैं। तो ये अगर आपने अपने क्षेत्र में विश्वास पैदा किया है जनता में, तो कोई भी एंटी इनकम्बेंसी आपको कभी इफेक्ट नहीं करेगी, ये मेरा मत है। इन ऑल क्या लगता है, मध्य प्रदेश में बीजेपी शिवराज जी मुखिया हैं, बीडी शर्मा संगठन की बागडोर संभाले हुए हैं और मोदी जी का तो नाम है ही जी, तो क्या परिणाम नजर आते हैं आपको कि 2023 में, तो 23 में जब हम नवंबर में होंगे तो क्या स्थितियां? बेहतर बेहतर 2018 से काफ़ी बेहतर भारतीय जनता पार्टी परफॉर्म करेगी इस बार। देखिए, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कर्नाटक हारे हैं तो उसका बेनिफिट मध्य प्रदेश को मिलना तय है। हमने जो गलतियां वहां पर की हैं उन गलतियों को हम मध्य प्रदेश में नहीं दोहराएंगे। हमें वहां से जो सीख मिली है उस सीख को हम यहां पर कन्वर्ट करेंगे वोट्स में, सीट्स में, और प्रयास यही करेंगे कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और रणनीति के आधार पर 130 से प्लस सीट्स हमारी आ जाए और बेहतर होगा। कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं? कांग्रेस बहुत बिखरी हुई है। जैसे एक कांग्रेस के हमारे परिचित मित्र हैं, उनसे जब चर्चा हुई तो उनके एंटी इनकम्बेंसी है आपकी पार्टी में, हमारी पार्टी बेहतर करेगी। मैंने कहा हो सकता है आप जिस, लेकिन जैसे सागर जिले की हम बात करें तो मैंने उनसे कहा कि सागर में 8 विधानसभा सीट आती हैं वर्तमान की, ये अभी कुछ 8-10 दिन पहले की बात होगी, मैं आपके पास नाम कितनी विधानसभा सीटों पर है लड़वाने के लिए आप ज़रा बताओ, तो नाम नहीं बता पाए। हमने कि आपकी स्थिति अभी ये है कि आपके पास कौन कंटेस्ट करेगा, किस विधानसभा से करेगा, आपके पास नाम है नहीं, और समय निकट आता जा रहा है जब आपके कार्यकर्ता काम ही नहीं कर पाएंगे, जब आपके पास कोई नेता क्षेत्र में जाने के लिए नहीं होगा तो आप चुनाव जीतोगे कैसे। हमारे पास कोई नेता हो ना हो, हमारा नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इतना है कि वो कार्यकर्ता पोलिंग पर खड़ा होकर काम कर रहा है, वो खुद को नेता मानकर काम कर रहा है, खुद को जनप्रतिनिधि मानकर काम कर रहा है, वो इस प्रकार से काम कर रहा है कि वो ही चुनाव लड़ रहा है। कांग्रेस में ये सारी चीज़ें नहीं है। कांग्रेस का संगठन और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ज़मीन आसमान का अंतर। हमारा संगठन पाँचों साल क्रियाशील रहता है, पाँचों साल चलायमान रहता है, हमारे यहाँ लगातार कार्यक्रम चलते रहते हैं, भले ही हम अपोजिशन में हो, भले ही हम सत्ता में हो, केंद्र की कार्यक्रम अलग, प्रदेश के कार्यक्रम अलग, हमारा कार्यकर्ता लगातार चलायमान। ये आरोपी बीजेपी पे लगता है कि चुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ा इवेंट होता है और तैयार रहते हैं 24 घंटे उसके लिए। देखिए, कोई कुछ भी कहे कि राजनीति में चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण होता है, हम कितने भी अपनी बातों में चीज़ों को घुमा फिरा कर बताएं, प्रदर्शित करें, लेकिन अंतोगत्वा उसका सार यही है कि हमें चुनाव लड़ना है और जीतना है। चुनाव हमें इसलिए भी जीतना है, सरकार हमें इसलिए भी बनानी है क्योंकि हमें जनता की भलाई की काम करने के लिए सरकार की आवश्यकता है। हमने पूर्व में कांग्रेस की सरकारें भी अभी 15 महीने की देखी हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, 15 महीने के करप्शन देखा 15 महीने का जी, सरकार चली गई। अब जो मुद्दे हैं, क्या हिंदूज में कहीं आपको लगता है बड़ा इशू है, महंगाई बड़ा इशू है, बेरोजगारी बड़ा इशू है, क्या कौन से मुद्दे रहेंगे चुनाव? देखिए, ये मुद्दे तो बहुत शुरू से हैं और रहे हैं और हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनके विषय में हमने अलग तरीके से नहीं सोचा, महंगाई के विषय में, रोजगार के विषय में, बेरोजगारी के विषय में, हम अभी पुराने पैटर्न पर सोच रहे हैं, डेवलपमेंट करेंगे तो रोजगार आएगा, डेवलपमेंट करेंगे तो बेरोजगारी हटेगी। डेवलपमेंट की बातें 70 सालों से हो रही हैं, डेवलपमेंट हो भी रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो बहुत सारी चीज़ों पर हमें कानून बनाने की भी आवश्यकता है कि हम जब चीज़ों को लिमिटेड करेंगे तब हमारे पास अवसर डेवलप होंगे और बहुत अच्छे ब्रेन। आपकी बात से लग रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। ये तो होना ही चाहिए क्योंकि हम और आप सभी मानते हैं, इंटेलेक्चुअल्स भी मानते हैं, सामान्य आदमी भी मानता है कि हमने अगर 3 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की है और अगर 5 लोगों को हमें
खाना बनाते बनाते 5 लोगों को खाने की व्यवस्था करनी पड़ी, तो 3 लोगों का भी पेट और 5 लोगों का पेट अच्छे से नहीं भर पाएगा, ये सब जानते। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को हम लोगों को कानूनी जामा पहना के उन चीज़ों को लिमिटेड करने की आवश्यकता है। मोदी साहब का कितना असर रहेगा चुनाव? बहुत ज़्यादा। माननीय मोदी जी तो सबसे बड़ा फेस है इस समय दुनिया में भारत का, और भारत में भारतीय जनता पार्टी का। माननीय मोदी जी की जो रीति नीति है, इस इलेक्शन में देखें तो उपयोगिता किसकी ज़्यादा है, शिवराज जी की या मोदी जी की, किसके फेस? दोनों की। देखिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, प्रधानमंत्री आवास योजना इतनी शानदार योजना है जिसके बारे में कोई चर्चा भले ही ना करता हो, लेकिन मैंने खुद देखा है गांव देहातों में 7 पीढ़ियां निकल गई लोगों की, घर नहीं, कच्चे मकान, छप्पर छाए हुए हैं, पत्ते छाए हुए हैं, बरसाती लगाए हुए हैं, घर नहीं, उनको घर दिया, पक्का मकान दिया, पक्की छत दी, वो वोट नहीं देंगे क्या? देंगे। शिवराज जी लाडली बहना योजना भी लेकर, बहुत सारी योजना है अभी लेकर, मैं आपको बता रहा हूँ लाडली बहना योजना लेकर आया, 1,000 रुपये उन महिलाओं को दे रहे हैं जिनकी कोई पूछ परख ही नहीं थी, जिनके लिए 10-10 रुपये अपने पति से, अपने भाई से, हम 1500 देंगे और गैस का सिलेंडर 500 में देंगे। कमलनाथ जी के विषय में सभी जानते हैं, और जैसा कि उनका वादा 2,00,000 रुपये का था, माफ़ कर देंगे हम किसानों को कर्ज, उसके बाद से जैसा उनका व्यवहार रहा किसानों के प्रति, जनता के प्रति, वो सब पूरी प्रदेश की जनता ने देखा है। अब उनके इन झूठे वादों में मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार व्यक्ति आएगा। तो ये जो माननीय शिवराज जी ने योजना चलाई है, ये माइलस्टोन साबित होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाने में। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, आपको इसके लिए बहुत शुभकामनाएं। आप अगर विधायक बनते हैं, पिताजी सहमत हो जाते हैं आपसे, आप पिताजी से सहमत हो जाते हैं, और पार्टी सहमत दोनों से हो जाती है और आपको टिकट देती है, तो आप जीतने के पहले ऐसे 4-5 क्या काम करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? देखिए बहुत सारी चीज़ें जो सामान्य व्यक्ति से, आप विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, दूसरों पर लागू हो सकती, ये सारी चीज़ें मुझ पर लागू इसलिए नहीं हो सकती कि ये सारी चीज़ें मैं माननीय मंत्री जी के पद पर रहते हुए खुद कर रहा हूँ। तो मंत्री रहते हुए मैं जो नहीं कर पा रहा, वो विधायक रहते हुए मैं कैसे कर पाऊँगा? रहता है दिमाग में कि साहब एक क्लस्टर, जैसे आपने कहा कि हम ले आए एक औद्योगिक क्षेत्र, अब लगता है कि हमको कोई खाद्य प्रसंस्करण लगाना है, कुछ और है, तो कुछ प्लानिंग तो होती है ना? नहीं, हमारी पूरी प्लानिंग है, वो साथ में चल रही, मतलब विधायक बन के कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं होने वाला, बस विधायक बन के अलग ये होगा कि हम और क्रियाशीलता के साथ लोगों से अपना संपर्क और तेज़ी से बढ़ाएंगे, जो अभी पिताजी को व्यस्तताओं के कारण नहीं हो पाता है, तो वो भी क्षेत्र में उतने ही सक्रिय रहेंगे अगर मैं कंटेस्ट करता हूँ, वो नहीं करते हैं तो। और कुछ चीज़ों पर विचार मेरा बहुत ज़्यादा चल रहा है, एक तो हेल्थ और दूसरा एजुकेशन। मैं ये चाहता हूँ कि एजुकेशन बच्चों को उनके गांव में मिले और बेहतर एजुकेशन मिले, उसके लिए मुझे किसी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं, मैं सरकार की सहायता से कुछ नहीं करना चाहता। मैं एक योजना मेरी बन रही है, बहुत अच्छे लोग जो सोशल सर्विस करना चाहते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जिनको महारत हासिल है या फिर जो बहुत अच्छे ब्रेन हैं, उनको मैं लेकर आ रहा हूँ, हम उन्हें गांव गोद दिला रहे हैं, सीधे उन गांव में पढ़ने वाले बच्चे जो शासकीय स्तर पर अपने स्कूलों में पढ़ेंगे, शासकीय स्कूल के अलावा, मतलब अपन ये कहें कि एक्स्ट्रा क्लासेस, उन बच्चों को वो लोग उन्हीं के गांव में जाकर प्रोवाइड कराएंगे, तो उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, उनका जो सोचने समझने का तरीका है, चूँकि क्या है, कई लोगों से ऐसे मिला हूँ जिनकी पढ़ाने की स्टाइल अलग है, जो हमारी पढ़ाई हमारे स्कूल्स में होती है, एमपी बोर्ड में होती है, सीबीएसई बोर्ड में होती है, उनसे पढ़ाने का तरीका एकदम अलग है। मैंने अभी एक इंग्लिश लर्निंग क्लासेस शुरू करने वाला हूँ अपने यहाँ, तो वो जो हमारे मित्र हैं जो क्लासेस को कंडक्ट करेंगे, उनका पढ़ाने का तरीका ही अलग है, उनको महीनों की क्लासेस नहीं चाहिए, उनका कहना है कि 20 घंटे की क्लास में मैं बच्चों को फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा, और वो इंग्लिश बोलेंगे भी, इंग्लिश समझेंगे भी, तो उनकी टेक्निक अलग है। तो हम ऐसे अलग टेक्निक के लोगों को ढूंढ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको सोशल सर्विस करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, ताकि आप छोटे छोटे गांव में जाकर आदिवासी समाज के बच्चों में, अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों में, पिछड़े गरीब तबके के बच्चों को आप एक्स्ट्रा क्लासेस दो, तो निश्चित रूप से उनका डेवलपमेंट होगा ही। हम हर चीज़ के लिए अगर सरकार की दृष्टि उसमें उन्हीं की तरफ देखेंगे तो हम फेल हो जाएंगे,
क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत ऊँचे तक आवाज़ लगानी पड़ती, हो सकता है कोई सुने ना सुने, और ये हम लोगों की खुद की नैतिक जवाबदारी है कि हमारे पास अगर सोर्सेज हैं, आप संपन्न हो, सक्षम हो, तो ये जवाबदारी आप खुद उठाओ। बार बार सरकार की तरफ देखने की ज़रूरत आपको है नहीं। अभिषेक भार्गव भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, आप उनको सुन रहे थे और उनका विजन आपने समझा होगा। अभिषेक जी का मानना है कि काम सारे के सारे सरकार के भरोसे नहीं किए जा सकते, कुछ कामों के लिए समाज को भी योगदान देना चाहिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप चुनाव लड़ें या पिताजी चुनाव लड़ें, रैली का भरा होना चाहिए। और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने दखल न्यूज़ को समय दिया। दखल न्यूज़ में आज बस इतना ही, आप देखते रहिए समाचारों के सिलसिले के साथ दखल न्यूज़। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।